जो ट्रेड की स्ट्रेंथ रहेगी तो वो जितने सेंक्शन होगी रिलेक्टेड से वो उतनी रहेगी, लेकिन जो हमें यहाँ तीन बिल्डिंग्स बन रही हैं, एक तो ट्रिपल पी प्रोजेक्ट हमारे यहाँ पे है तो उसमें जो है कुछ आईटी जो है कवर हुए हैं ट्रिपल पी प्रोजेक्ट में, और भद्रवा भी उसमें एक जो है आईटी है जिसमें ट्रिपल पी में कवर हुआ है। तो इसमें जो तीन ट्रेड्स हैं, मोटर मैकेनिक व्हीकल है, कंप्यूटर हार्डवेयर है और फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट है, ये थ्री ट्रेड्स जो है न्यू हमने इसमें जो है इंट्रोड्यूस की है। तो उसकी जो है ये बिल्डिंग जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है, PWD को दी हुई है। दूसरी दो जो दो बिल्डिंग है, एक तो जो हॉस्टल है, ये कुछ जो है बच्चे हैं फॉर प्लेसेस से आते हैं तो हॉस्टल होगा तो उनके लिए थोड़ा सा ये फैसिलिटी होगी। बेनिफिट्स तो इसका बहुत सारा बेनिफिट्स है, जैसे कि यहाँ पे ये ब्लॉक्स बन रहे हैं, बच्चे इस पे रहेंगे फिर कोर्सेज करेंगे, बहुत ज़्यादा सीट्स भी होंगी यहाँ पे। आजकल तो मतलब ऐसे आजकल के कोर्स देखे जाएं तो 26 ही सीटें अवेलेबल हैं एक ट्रेड में, लेकिन ऐसे अगर हॉस्टल बन रहा है फिर बहुत से बच्चे ट्रेनिंग कर सकते हैं और बहुत इसका मतलब लाभ भी उठा सकते हैं ट्रेनिंग का। सर बच्चों में बहुत खुशी है, बच्चे बहुत एक्साइटमेंट हैं, खुश हैं कि हमें पढ़ने का मौका मिल रहा है, आगे जाने का मौका मिल रहा है, हमें नए नए कोर्सेज करने का मिल रहा है, और भी यहाँ पर नए नए कोर्सेज आएंगे।